मॅथचा अगस्त्य म्हटलं की अगस्त्य ऋषी मला आठवतात की ज्यांचा राग, ज्यांना जर राग आला तर तो विलक्षण टोपायला जायचा, पण हा अगस्त्य मात्र शांत आहे कारण पप्पांच्या कडेला आहे, पण आई शांत नाही आहे. सौरभ मला सांगतोय हा अगस्त्य ऋषी सारखाच आहे. नाही, मगाशी उद्घाटन सोहळ्याच्या अगोदरपासून आम्ही खेळपट्टीवरती होतो, वारंवार चालू होतं क्रीडांगणावरती, खेळपट्टीवरती, इकडे तिकडे. मी म्हटलं अंकितजी साखरे यांना की पुढची पाचही रात्र अगस्त इथेच असणार का, ना बोलले की क्रिकेट थोडं आवडेल, जास्त आवड नाही आहे क्रिकेटची, परंतु थोडा उशीर थांबणार इथे, त्यानंतर मात्र घरी जाणार. नक्कीच, इथे मात्र या एक्झिबिशन मॅचमध्ये कोण जिंकणार आणि कोण हरणार हा क्वेश्चन मार्क आहेच. आपण कालिदास ऑडिओचं कौतुक करूया, कारण त्यांच्या मार्फत अतिशय क्लॅरिटीने आवाज आपला प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतोय. कोलाड, तर जास्त वेळ घेऊ नका, विनंती आहे शेमडी संघाला देखील, कारण 7 मॅच कव्हर करायचे आहेत आपल्याला. पहिल्या फेरीतील सर्व सामने 5 ओव्हर्सचे असतील, त्यानंतर 4-4 षटकांचे मात्र मॅचेस होतील, म्हणून विनंती करतोय की आपण जास्त वेळ घेऊ नका. अखू टप्प्याचा हा चेंडू त्याला हुक केला आणि पहिल्या चेंडूवरती येते कडा प्रहार, येतोय हा राष्ट्रवादी षटकार. मग लाईव्ह मॅच बघतायत आमचे सचिन टकेकर साहेब, त्यांच्याकडूनही शुभेच्छा आल्यात राष्ट्रवादी युवक चषक 2021 ला, त्यांचाही आपण मनापासून स्वागत करूया, त्यांच्या शुभेच्छा आपण स्वीकारूया. पहिल्या चेंडूवर 6 धावा. मी म्हटलं होतं की चायनामन विशाल साळुंके याची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल, पण गोलंदाज ऋषिकेश अतिशय चांगला चेंडू षटकारानंतर, याला म्हणतात खरं कमबॅक. चला सामना सुरू व्हायला हवा. संदीप चौधरी, सामना सुरू होण्याकडे लक्ष द्या जरा, या नंतरचा लगेच. पाटील 11 मिरकुडवाडी संघ आणि त्यांच्या विरोधात कारगाव संघ, आपण त्वरित टॉस साठी या, जास्त विलंब करू नका, लवकरात लवकर आपण टॉस साठी या. आणखी एक चांगला फटका आणि तो देखील जातोय सीमापार, हा दुसरा षटकार या इनिंग मधला सनीच्या बॅट मधून. बघा, निव्याची चेंडू असूनही फलंदाज रात्रीच्या प्रकाशात षटकार मारतायत, म्हणजे फ्लड लाईट किती चांगली असेल. चेंडू दिसतोय, षटकार सलग येतात म्हणजे चेंडू दिसतोय. फ्लड लाईट अतिशय उत्तम आहे, फ्लाइंग टॉवर सिस्टम आपण बघतोय कालिदास ऑडिओच्या माध्यमातून. मी चिपळूणला स्पर्धा केली होती, त्यावेळी निलेश राणे खासदार होते, त्यांच्या खासदार चषक मी केला होता. सन्माननीय मुक्तियार धनसे, तो मुक्तियार धनसे इनके शुभ हाथों टॉस किया जाएगा. मैन ऑफ द सीरीज के लिए जिन्होंने एलईडी प्रदान की है, मुक्तियार धनसे इनके शुभ हाथों से टॉस होगा. और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ ये आउट. 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और ये एक विकेट का पतन हो चुका है. तो चलिए टॉस होने जा रहा है, मिरकुटवाड़ी बनाम कारगाव. विजय मुसे कारगाव के कप्तान, शिव शक्ति कारगाव बनाम पाटिल 11 मिरकुटवाड़ी. चलिए टॉस होने जा रहा है, मुक्तियार धनसे साहब इनके शुभ हाथों टॉस किया जाएगा. तेज तर्रार ये गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी, वहीं पर रुकावट, टोटल 46 का पीछा करते हुए 12 रन. मिरकुटवाड़ी पाटिल टॉस विन हो चुकी है, अब देखना यह होगा उनका फैसला क्या होगा. टॉस के बॉस मिरकुटवाड़ी के कप्तान बन चुके हैं. वेदराज जोमरे टीम के कैप्टन से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप स्टेज से संपर्क करें. देखिए स्थानीय टीम यहां पर आज खेल रही है,
इन टीम्स के नाम भी मैं पहली बार सुन रहा हूं मेरे क्रिकेट कमेंट्री करियर में, लेकिन ऐसी टीमों को खेलने का मौका दिया यूथ कांग्रेस। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम है, इस नियम के ऊपर भी ध्यान दे फैसला लेते समय कोई भी कप्तान, और रिव्यू जो लेंगे वो अंपायर ही लेंगे। अगर उनके मन में डाउट हो तो किसी टीम को रिव्यू नहीं है अंपायर। एक बात मेरी गौर से सुनी है, अगर आपको लगता है कि कुछ डाउटफुल होने वाला है आपके द्वारा, तभी आप रिव्यू ले सकते हो। किसी भी बल्लेबाज या गेंदबाज के दबाव में आके आपको रिव्यू नहीं लेना है। हाँ, गेंद अगर टूटी फूटी गुम हो जाए तो नई गेंद, ये तो हमेशा नियम रहता है, ये बताना जरूरी नहीं है। इतनी बड़ी प्रतियोगिता में पुरानी गेंद देगा कौन, ये भी सवाल है। एडवोकेट जयजीत तावड़े साहब यहाँ पर आ चुके हैं, ये एग्जीबिशन मैच है और हम देखते हैं पाली फाटा के, जब पाली फाटा की शुरुआत होती है तो वहीं से एक महसूस होते हैं हम इंडियन बर्गर तावड़े वड़ा पाव स्पेशलिटी, उनके सपूत एडवोकेट। और एडवोकेट जानते हैं कोर्ट में बगैर अच्छे आर्गुमेंट कोई केस नहीं जीता जाता, तो इस खेल में बगैर अच्छा खेले आप कैसे जीत सकते हो। लीग में 50 मारे थे इस रोहित ने, लेकिन वो दिन के उजाले का मैच था, ये रात की रजनी का मैच है, फर्क तो है, लेकिन यहां पे भी 50 मार सकते हैं, और यहां पर 50 मारेंगे तो इस ग्राउंड के ऊपर उनके 100 हो जाएंगे। ये देखिए शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से गेंद जा रही है, आनंद गेंदबाज, लेकिन चाइना मन का क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा है। विशाल सौरंगे 6 साल शायद गैप है, प्रैक्टिस में नहीं है, इसलिए उनको गेंदबाजी का मौका नहीं मिल सकता। जे बॉल बॉय जना आम्ही टी शर्ट दिले आयोजक विनंती है कि अपन स्टेज ऐसी समोर यहाँ डाव्या बाजूला त्वरित। हाँ, एग्जीबिशन मैच में नए खिलाड़ियों को ज्यादा मौका दिया जा रहा है शिमड़ी की तरफ से, जानते हैं इस मैच में हारो या जीतो लेकिन नए खिलाड़ियों को एक मौका जरूर मिलेगा। हाँ, ये तो बिल्कुल लाजमी है समीर, दूधिया रोशनी में खेलने का मौका कौन नहीं चाहेगा। मैं कभी ओवर आर्म में बल्ला हाथ में नहीं लिया, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं भी बैटिंग के लिए जरूर जाऊंगा फ्लड लाइट्स का एक्सपीरियंस करने के लिए। वो एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है, मेरे साथ में सौरभ को लेके जाऊंगा ओपन करने के लिए, हमारे अजीज दोस्त है वो, उम्र में काफी कम है हमसे लेकिन दोस्ती में उम्र मायने नहीं रखी जाती। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर एक ही रन मिलेगा। ये एग्जीबिशन मैच है इसलिए हमारी कमेंट्री थोड़ी स्लो चल रही है, आगे के मैच में असली जलवा आप दिखाएंगे देखेंगे। 7 गेंदों में 24 रन, देखिए संदेश चौधरी की पैनी निगाह है, इसे कहते हैं आसमान में उड़ रहे उस गिद्ध की तरह जो जमीन पर रेंगते हुए अपने शिकार की तरफ नजरें लगाता है, और संदीप चौधरी खुद जा रहे हैं इन रनों को पूरा करने के लिए। हाँ, अगर ये कैच छूटा तो क्या होता, संदेश ने 2 कदम जो आगे बढ़ाए थे वो 2 कदम उनके पीछे आते। रिवर्स स्वीप के बादशाह बोल, हाँ एग्जीबिशन मैच है हेलो, मी प्रेक्षकांना विनंती है की आप जे उजव्या हाताला जे प्रेक्षक वर्ग उपस्थित आहेत त्यांना विनंती है कि आपण डाव्या बाजूला जी व्यवस्था आपल्यासाठी व्यवस्थित रीते आपण बसू शकता कि सन्माननीय उपसरपंच उमरे ग्रुप ग्राम पंचायत समीर जी पांगारे यांचं मनापासून स्वागत। गेंदबाज प्रवीण साळुंके ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला बल्लेबाज,
संजय चौधरी ने यह बाउंड्री लगाई। राजनीति में जितने होशियार उतने ही क्रिकेट में होशियार। नंबर आया चार, फाइनल बाउंड्री के बाहर। पांच गेंदों में 20 रन, मेरी तरफ से 500 रुपए में अगर ये रन बनाते हैं संदेश तो। और संदेश पाटिल की भी तरफ से 500, देखिए 1000 मिलेंगे और ये बनेंगे। ऐसे खेलेंगे तो बनेंगे, लेकिन ये क्या छोड़ा उनका, एक ही रन मिलेगा। चलिए ट्राई कीजिए, दूसरे के लिए स्ट्राइक लीजिए। मेरी जेब से कभी पैसा छूटता नहीं है, आपके लिए छूटने वाला है, कोशिश कीजिए। नेक्स्ट मैच है, नेक्स्ट मैच जे अपन टॉस झालेला आहे कारगा विरोधात मिरकुटवाडी, पाटील इलेवन मिरकुटवाडी आणि शिवशक्ती कारगाव दोन्ही टीमने सज्ज राहायचे, कारण आपण एक शो मॅच एक्झिबिशन मॅच देखील कव्हर केले। संदेश चौधरी मात्र इथे प्रयत्न करतायत स्ट्राइक घेण्याचा, पाहूया जे पारितोषिक आहे संदेश पाटील 24 लाइव इव्हेंटचे प्रवर्तक, त्यांच्याकडून देखील 500 रुपये आणि समालोचक प्रवीण दुगाडे यांच्याकडून देखील 500 रुपये। जर का तीन चेंडूंमध्ये तीन षटकार पाहिजेत, फटका फसलाय आणि बॅट्समन होईल आउट संदेश चौधरी। देखिए अब नए बल्लेबाज बूम बूम माटे की तरह, ये देवनावे के बूम बूम पतिया। स्टाइल पण तशीच आहे, मागून आपण पाहिलं तर कदाचित मिनी वर्जन ऑफ बूम बूम माट्यासारखे ते वाटतात। हाँ, इनको स्ट्राइक देना जरूरी है, कम से कम एक गेंद तो खेलने का मौका मिलेगा। देखिए ये पंकज यादव की छवि नजर आ रही है पीछे से, क्या ये नंबर आएगा? छह, बहुत ही बढ़िया, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर दन दना तो हुआ छह। मैच हाथ से नहीं, पूरी फिसल गई है, हाथ में रेत की है, रेत जिस तरह फिसलती है। ये बूम बूम को संदेश की जगह या उसके आगे भेजना चाहिए था। आसमानी तूफानी सुल्तानी जिलानी छक्के हमें देखने को मौका जरूर मिलता। और यहाँ पे जो लीग हुई थी, मैं आया था, दो ओवर भी मैंने किए थे उस लीग में, 15 छक्के लगाए थे इस खिलाड़ी ने नॉन स्ट्राइकर एंड के बूम बूम ने। तो मिरकुटवाडी पाटिल ने टॉस जीत के क्या फैसला किया, कंपलसरी चेसिंग है, गेंदबाजी। चलिए लाइनअप करके अंदर जाइए, शिवरी टीम ये एग्जीबिशन मैच जीत चुकी है, लेकिन असली रन उनका बाकी है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, यहां पर 9 खिलाड़ी होना जरूरी, 2 खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए जाएंगे। और हमारे अजीज दोस्त अजिंक्य साकरे अगर यहां पर आ चुके हैं तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो स्टेज पे आके इस मैच का आनंद ले। चला वेदराज उमरे टीमचा कॅप्टन आपण आयोजकांशी संपर्क साधायचे, वेदराज उमरे आपण टीमचा कॅप्टन आपण त्वरित आयोजकांशी संपर्क साधायचे। पाटील इलेवन मिरकुटवाडी टॉस आपण जिंकलाय, त्वरित क्षेत्ररक्षण साधून घ्या। ट्वेल्थ मॅन आणि ट्वेल्थ मॅन दोन्ही टीमच्या ट्वेल्थ मॅन व्यासपीठावरती आपण त्वरित यायचंय।
छत्रपति तिरपन साल की आयु स्वराज्य का निर्माण मध्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के महज 38 साल जिए, लेकिन सशस्त्र क्रांति की लहर पूरे देश में उन्होंने दौड़ाई। ये होता है आपकी उम्र आपके काम के मायने नहीं रखी जाती, आपका काम ही आपकी पहचान होना चाहिए। जिस तरह मुख्तियार धनसे साहब ने एलईडी देकर इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाया है मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर, ये उनका योगदान, ये प्रतियोगिता याद रखेगी। पहले ही दो है हमारे पास, मनोहर वैसाणी जिन्होंने ओपन के लिए दिया है और ग्रामीण के लिए मुख्तियार धनसेन, दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। चलिए दोनों ट्वेल्थ मैन, अब असली मजा आएगा समीर, राष्ट्रवादी युवक ट्रॉफी 2021 का असली मजा। स्पर्धेचं स्वरूप ही वेगवेगळ्या स्वरूपाचं आहे ना, पहिले तीन रात्री अगदी आपण पाहिलं तर ग्रामीणचे 24 संघ खेळणार आहेत पहिल्या तीन रात्रींमध्ये, आणि शेवटच्या दोन रात्रींमध्ये तुम्हाला एक तालुका हाप आणि एक महाराष्ट्र ओपन हाप पाहायला मिळेल, जिथे अंकितजी साखरे यांनी म्हणजे लक्ष केलं की बहुतांशी ते स्पर्धा पाहतात, त्यांच्या स्पर्धा होतात, प्रामुख्याने क्रिकेटवरती प्रेम आहे, त्यांना माहिती क्रिकेटचे नियम काय आहेत, संघ कसे खेळतात, तर ग्रामीण संघांसाठी त्यांनी वेगळे तीन पारितोषिक ठेवलेत आणि त्याचबरोबर समीर क्रिकेट की शुरुआत हुई थी अंकित देवनावे की तरफ से, ओपन प्रतियोगिता में इन्होंने टीम्स को उतारा था रायगढ़ की सुप्रीमो में और वहां से ये हाईलाइट्स हुए और उसके बाद इनकी जो दही हांडी होती है वो काफी मशहूर हुई, उसके बाद तब्बल वड़वल वड़वल के ग्राउंड के ऊपर जो इनकी क्रिकेट, इसके पहले भी इनकी क्रिकेट रजनी कई हुई लेकिन वड़वल के ग्राउंड के ऊपर जो रजनी हुई थी रिकॉर्ड तोड़ क्राउड था, रिकॉर्ड तोड़ तहसील वाइज हाफ के लिए जो क्राउड था ना, क्राउड मैंने पूरे रायगढ़ में नहीं देखा था इतना ज्यादा क्राउड। एक गोपाल काळेची एक वेगळीच आठवण राहील दहीहंडी उत्सव अंकित जी साखरे यांचा, त्याचबरोबर माजी तंटा मुक्ती अध्यक्ष अविनाशजी पाटील आणि सुधीरजी चौधरी, आताचे तंटा मुक्ती अध्यक्ष सुधीरजी चौधरी यांचं देखील आगमन झालंय, त्यांचंही सहर्ष स्वागत विद्यमान सन्माननीय तंटा मुक्ती अध्यक्ष सुधीरजी चौधरी आणि त्याचबरोबर सन्माननीय युवा नेते आणि माजी तंटा मुक्ती अध्यक्ष अविनाशजी पाटील साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। राष्ट्रवादी युवक चषक 2021 मध्ये आपलं मनापासून स्वागत। हा समोर आमच्या स्टेजच्या समोर ज्या 9 चेअर ठेवल्यात त्यामध्ये 9 खेळाडूच बसतील आणि 12वा आमच्या समालोचन कक्षामध्ये, आणि मैदानावर जर पाणी घेऊन जायचं असेल, फर्स्ट एड घेऊन जायचं असेल तर तो 12वा खेळाडूच घेऊन जाणार। सन्माननीय कोयना समाज अध्यक्ष दिनेशजी मुसळे साहेब यांनाही विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर, तो मॅच सुरू होने का इशारा, गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्टेप आउट करके मारा शॉट, एक शॉट कवर को चीरती हुई लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन के लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने इस गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, दो रन जरूर मिले, दो रन से खाता खुलता हुआ। बल्लेबाजी करने वाली टीम कारगांव, शिव शक्ति कारगांव, जिस टीम के लिए ओपन करने के लिए आ चुके थे विजय और रूपेश, विजय और रूपेश प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी, विजय ने ये दो, रूपेश ने ये दो रन बनाए, क्रॉस बैनर शॉट स्लॉग स्वीप मिड विकेट और स्क्वेयर लेग के बीच में गेंद जा रही है, वन बाउंस ही मारे का बार, 4 रन। टोटल आ चुका है 6 रन शिव शक्ति कारगांव का।
तो एक रन आता हुआ और इस एक रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ शिव शक्ति कारगा 7 रन। सन्माननीय कारगाव के आमजे दिनेश मुसळे साहब यांचं मनापासून स्वागत। राष्ट्रवादी युवक चषक 2021 मध्ये दिनेश मुसळे साहब यांचं मनापासून आपण स्वागत करूया। तो दोस्तों चलते हैं दिल और दिमाग लेकर मैदान के ऊपर। मेरे साथ है समीर सोमड़े, वॉइस ऑफ कर्जत, वॉइस ऑफ खोपोली तुषार धुमाल, मेरे साथी स्कोरर राज पाटिल, ओंकार वाणी। और ये देखिए शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला था बाएं हाथ के बल्लेबाज ने, दाएं और बाएं का ये कॉम्बिनेशन विजय और उनके साथी रूपेश। हालांकि विजय ने ये स्ट्रोक खेला था, 2 रन जरूर मिलेंगे। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का एकमात्र ओवर, 4 ओवर के इस मैच में। अंकित जी साखरे इनकी ये प्रतियोगिता जो हमेशा ब्रेकिंग न्यूज रहती है पूरे रायगढ़ के लिए। हाँ ये पता है मुझे, ये ओरिजिनल आवाज आपको जरूर मिलेगी। और ये सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच होने की संभावना, लेकिन क्या कैच लिया। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहा जाता है, मराठी में हमारे गुरु हमेशा कहते हैं पकड़ा झेलाड़ी जिनका क्रिकेट का खेल। कालिदास ऑडियो बजाओ भाई। प्रवीण देखिए मुसळे ब्रदर्स लेकर खेल रही है शिव शक्ति कारगाव। मुसळे ब्रदर्स लेकर खेल रही है, इनको इनकी ताकत दिखानी होगी क्योंकि मुसल की ताकत बहुत ज्यादा होती है जिसमें धान को पीसा जाता है। और ये मुसळे ब्रदर्स अगर गेंदबाजों को पीसे तो रन जरूर बनेंगे। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला और इस एक के साथ टोटल अगर हम देखे 10, लेकिन 10 पे बस नहीं करना जो हमेशा मैं कहता हूं, 10 का दम दिखाना होगा, सलमान की तरह दबंग बनना होगा क्योंकि इस खेल में डरना मना है, डर के आगे है जीत। और उस जीत को पाने के लिए डेरिंग करनी होगी, लंबे चौबे छक्के मारने होंगे क्योंकि भारत में एक कहावत है डेरिंग करेगा तो भाई बनेगा। और इस क्रिकेट के मैदान के ऊपर अगर आपको भाई बनना है तो डेरिंग करनी होगी, लंबे लंबे चौबे छक्के दागने होंगे, गैप में से गेंदों को निकालकर बाउंड्रीज हासिल करनी होगी, आसमानी तूफानी फायर करने होंगे तब जाके ये छक्के आएंगे। देखिए 24 लाइव इवेंट्स के जरिए पूरा टेनिस विश्व इस प्रतियोगिता को देख रहा है। धीरे धीरे व्यूअर्स हमारे बढ़ेंगे, जैसे जैसे रातें निकलती जाएंगी वैसे वैसे व्यूअर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्राउड से मैं एक जरूर अनुरोध करना चाहूंगा, कोविड को अगर हमें हराना है और क्रिकेट के इस रन को अगर जीतना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, खुद को सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहने। क्या हुआ, 4 ओवर का मैच है ये, इसीलिए मैंने कहा एक ही ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन शिव शक्ति कारगाव 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ पुरस्कृत देखिए संदेश चौधरी गुरुग्राम पंचायत देवनावे और अंकित जी सागरे जर्सी के पुरस्कर्ता। ये भी होना जरूरी है क्योंकि बगैर एडवर्टाइजिंग कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता। राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंदबाजी की थी, मुझे लगा कि शायद राइट आर्म गेंदबाज होंगे लेकिन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। 1 रन, दूसरा रन लेने में कंफ्यूजन। और यहां पर विकेट मिला रुपेश का, टीम मिरकुटवाड़ी का।
किया और डीजे मास्टर ने बिल्कुल सही कहा, में से एक टपका मटका रे मटका, लेकिन फुट रहा किसका, रुपेश का। लेकिन ये अच्छे गेंदबाज है, जो प्रीमियर लीग हुई थी शिवगर्जना, संदीप चौधरी ने मुझे जानकारी दी, वहां के एक अच्छे गेंदबाज के तौर पर ये उभर कर आए थे। आदिवासी टीम है ये, लेकिन किसी एंगल से लग नहीं रही है, प्रोफेशनलिज्म इनके खेल में नजर आ रहा है, व्यावसायिकता जरूर मैं कहना चाहूंगा, व्यावसायिकता इनके खेल में नजर आ रही है, पूरी तरह डिसिप्लिन टीम नजर आ रही है, पूरी अच्छी फील्डिंग हो रही है, पूरी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। वैलेंट्री पावर प्ले के ओवर में अगर हम देखें, गेंदबाज प्रकाश ने महज 10 रन दिए थे और इस ओवर की भी अच्छी शुरुआत की है गेंदबाज अशोक ने। तेजस के लिए गेंद बैकवर्ड पर गए थे, इस गेंद को खेला अपर कट के सहारे, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया, दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी, इन दो रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 12 रन, दो विकेटों के नुकसान पर 13 रन, 13 रन दो विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी थे विजय और रुपेश, प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी पेविलियन आ चुकी है, तो मिडल ऑर्डर्स को अच्छा करना होगा, मध्य क्रम। और ये गेंद स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी, डांसिंग डाउन द ट्रैक, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद की बिंदी गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पर 13 रन। और ये देखिए लगातार दूसरी डॉट गेंद, क्यों अशोक शिवगर्जना प्रीमियर लीग के अच्छे गेंदबाज ठहरे, ये आज पता चल रहा है इस क्रिकेट रजनी में, काफी सटीक लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी हो रही है और उस लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी के कारण परेशानी में आ रही है मुस्लिम ब्रदर्स की शिव शक्ति कारगांव। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, शॉर्ट फाइन लेग को जैसे गेंद ने चीरा, गोली की रफ्तार से गेंद गई डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, अंपायर का इशारा 4 रनों का। कीजिए सत्रह रन हो चुके हैं, दो ओवर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। ये देखिए उस दैट की अपील हुई, लेकिन अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, देखिए कीपर कितने होशियार होते हैं, व्हाइट बॉल बचाने के लिए उन्होंने अपील की, लेकिन अंपायर देखिए हमारे तो वॉल ऑफ चेन, कीपर दिलीप और ये अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति हुई, टोटल आ चुका है 18 रन और इस ओवर में महज 8 रन आए समीर और तुषार। अगर हम देखें वापसी की है, गेंदबाज अशोक ने पहले ओवर में 10 आए थे, इस ओवर में आए 8 रन। हमारे फोटोग्राफर अरुण का भी हम स्वागत करेंगे, क्योंकि उनके कैमरे में हमारी मेहमानों की छवि कैद है, अगर इनका नाम नहीं लेंगे तो छवि कैसे बाहर निकलेगी। तो दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, दो ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 18 रन। नए गेंदबाज संतोष, स्ट्राइकर इन पर प्रवीण नाम का जादू, रायगढ़ के रॉस टेलर प्रवीण गरत, जो काफी अच्छा खेलते हैं उसी तरह इस प्रवीण को खेलना होगा और जादू को चलाना होगा, एक्सेलेटर पर ताव देना होगा, अपनी इनिंग की गाड़ी को खींचना होगा, लंबे लंबे हिट्स लगाने होंगे। और ये क्लीन बोल्ड, क्या टर्न हुई गेंद, तारीफ करनी होगी गेंदबाज संतोष की। सदस्य देवनावे
रोहिदास पाटिल भूतपूर्व उप सरपंच इस टीम के बैटर मिरकुटवाड़ी के खुश होंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी गेंदबाजी हो रही है यकीनन मैं कहूंगा अगर अमरीश पुरी जिंदा होते तो ये जरूर कहते नवंबर खुश हुआ, क्योंकि इसी तरह इनकी गेंदबाजी हो रही है। टीम का टोटल 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। ये देखिए प्रतिध्वनि आ रही है 3 बार, देखिए अंकित जी साकरे का अगर नाम लिया जाए तो 5 बार आ रहा है, इनके नाम में कुछ ज्यादा पावर है। ये सीधा खेला, वर्डिश लॉन्ग ऑन पर गेंद ट्रेवल हो रही है लेकिन अच्छा कैच। मैंने पहले कहा था जब मुझे बताया गया आदिवासी टीम खेल रही है लेकिन प्रोफेशनलिज्म इनके खेल में नजर आ रहा है, व्यावसायिकता। पोल हाँ, इनको अगर गेंद टच हो गया हवाई फायर हुआ तो छक्का है ना, और कैच पकड़े तो भी आउट है। चलिए संदीप चौधरी के कोर्ट में अब फैसला आ चुका है, इलेक्ट्रिक पोल से लगकर अगर हवाई फायर हुआ बाउंड्री पार हुई गेंद तो छे, कैच हुआ तो आउट, और अंदर गिरी तो जितना चाहे दौड़ो। टीम का टोटल 18 रन, ओवर नंबर चल रहा है 3। क्या गेंदबाजी हो रही है मिरकुटवाड़ी की, पर ही रुका हुआ टोटल है मुस्लिम ब्रदर्स की शिव शक्ति कारगाव। शिव अगर तीसरा नेत्र खोले और उसे अगर शक्ति का साथ मिले तो बहुत ज्यादा तहलका इस पूरे ब्रह्मांड में मचाते हुए नजर आते हैं शिव और शक्ति, लेकिन वो तहलका हमें नजर नहीं आ रहा है शिव शक्ति कारगाव के बल्लेबाजों द्वारा। समीर अगर देखा जाए तो शिव और शक्ति इसका मतलब है शंकर और पार्वती, शिव के साथ शक्ति का मिलाप, लेकिन ना शिव ने तीसरा नेत्र खोला ना शक्ति अपनी ताकत की आजमाइश कर रही है यह नजर आ रहा है कारगांव के बल्लेबाजों द्वारा। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा, दूसरा रन चुराने की कोशिश, नाना तू तू मैं हल्का सा फंबल और उसका फायदा मिला, 2 रन जरूर मिले, और यह रणनीति होनी भी चाहिए। अगर आपको बाउंड्रीज नहीं मिल रही है, छक्का लगाने का मौका नहीं मिल रहा है, गेंदबाज अगर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो पहले को दूसरे में कन्वर्ट करो, पहला रन तेजी से दौड़ो ताकि गेंदबाज थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो खराब गेंद करने पर। टीम का टोटल 20 रन, ओवर नंबर 3 चल रहा है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, मैच सिंगल मिला बल्लेबाज कुणाल को। अगले मैच का टॉस होना जरूरी, जैसे ही यह चौथा ओवर शुरू होगा मैं दोनों टीमों के कप्तानों को बुलाऊंगा टॉस के लिए। वेदराज उमरे बनाम शेमड़ी, टीम का टोटल
21 रन 7 की औसत से यह रन आ चुके हैं, लेकिन ये फ्लड लाइट्स में 30 रन भी मुकाबला एयर टाइट बना सकते हैं। कम से कम 10-12 रन अगर इस ओवर में आते हैं तो शिव शक्ति के पास भी मौका रहेगा, क्योंकि फ्लड लाइट्स। और ये देखिए लसित मलिंगा एक्शन में गेंदबाजी करेंगे, गेंदबाज सुरेश कुणाल स्ट्राइकर इन पर कुणाल, आखिरी ओवर स्लॉग ओवर मारधाड़ वाला ओवर। ये व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ वन बाउंस का इशारा भी होगा गेंदबाज के लिए अंपायर द्वारा। टीम का टोटल, हाँ ये देखिए अंपायर्स के लिए एक बार मैं सूचना दूंगा, अकबर आपको लगता है कि गेंदबाज चकर है तो स्क्वायर लेग अंपायर उसे दे सकता है, पूरी प्रतियोगिता वो गेंदबाज बर्खास्त किया जाएगा। हाँ एक बार अंपायर ने कमिटमेंट की तो की थ्रो गेंदबाज के बारे में, नो एक्सक्यूज नो आर्गुमेंट्स, कुछ नहीं सुना जाएगा। फिर से एक बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 23 रन। देखिए 35 तक अगर ये आंकड़ा आता है तो मजा आएगा, 30 तक तो मैं कहूंगा ये मैच एयर टाइट होगा, 35 एक फाइटिंग टोटल होगा और ये जीतने वाला टोटल भी हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि फ्लड लाइट्स में दोनों टीमों को उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है खेलने का। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, हाँ ये मैंने पहले ही बताया था इलेक्ट्रिक लाइन और इलेक्ट्रिक पोल के बारे में, मैदान के अंदर पड़े आप दौड़ो दौड़ो, 3 दौड़ो 4 दौड़ो 6 दौड़ो, हाँ रिकॉर्डिंग भी है रिवाइंड करो। 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, हाँ बघा इलेक्ट्रिक पोलला जर चेंडू लागला आणि तो चेंडू हवे मध्ये असेल आणि मैदानाच्या आतमध्ये जर त्याचा झेल घेतला तर झेल आहे, इलेक्ट्रिक जे लाईन गेले तार गेले त्यांच्यासाठी सुद्धा तोच नियम आहे, चेंडू बाहेर गेला त्याला लागून तर षटकार। किती आले 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, ये गेंद क्या ये होगा चक्का, लेकिन ये छोड़ा। देखिए ऐसी हालत बैटिंग करने वाली टीम की भी होने वाली है, फ्लड लाइट्स में उतना ज्यादा खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस हमेशा हम कहते हैं ना कि गुड टीचर फॉर योर लाइफ, अनुभव आपके जीवन का सबसे बड़ा अध्यापक होता है। टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा उमरे मनाम शेमड़ी, चलिए दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है, जो कप्तान देरी करेगा उसे पेनल्टी दी जाएगी। यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, उमरे के कप्तान यहां पर आ चुके हैं, शेमड़ी के कप्तान को आखिरी 2 मिनट दिए जाएंगे। हम्पायर जास्ती टाइम पास प्लेयर ना करू देऊ नका, कमीत कमी वेळेत आपल्याला मॅचेस संपवायचे आहेत। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, सुरक्षा कवर पर गेंद हवा में थी और इसी के साथ ही आउट। शेमडी या दोन संघांमधील होणाऱ्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल करतील देवनावे ग्रुप ग्रामपंचायतचे तंटामुक्त अध्यक्ष सुधीरजी चौधरी। सन्माननीय चिंतामणजी मुसळे आणि त्याचबरोबर सन्माननीय संतोषजी धारणे यांचं मनापासून स्वागत। अतिशय चांगला चेंडू, निर्धाव चेंडूची सांगता होती है। टोटल अगर हम देखे इस डॉट गेंद के कारण 28 ना
डॉट होता 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आ रहा है। 30 के करीब जाना जरूरी है शिव शक्ति कारगांव को। और ये क्लीन बोल्ड प्ले डाउन हुए, गेंद पहले बल्ले पर और बाद में स्टंप पे लगी। कहा जाता है दूसरी बार गलती करे उसे शैतान कहा जाता है, बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहा जाता है, और उन तमाम गलतियों को माफ करे दोस्तों उसे हमारा हिंदुस्तान माना जाता है। टीम का टोटल 29। कौन अमित? अमित तो अमित जी आहित साहब का मैं स्वागत करना चाहूंगा। सन्माननीय समीर जी पांगारे उप सरपंच उमरे यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? दूसरा भी मिलता हुआ, क्या मिलेगा तीसरा? दो ही रन मिले और इन दो रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 31। जीत के लिए 32 रनों की जरूरत। हेलो हेलो, तुम्हाला जे 12 टी शर्ट प्रोवाइड केले जातात तर 12 खेळलोस तो 12 टी शर्ट द्या, आणि 12 खेळलो तुमचा इकडे कमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा, नाहीतर तुमची कुठलीही तक्रार ऐकली जाणार नाही। लक्षात ठेवा, 12 खेळलो असेल तोच कोण इंजुर्ड झाले खेळायला जाणार, हे पण लक्षात ठेवा। जो 12 खेळलो ते येईल तोच क्रिकेट खेळण्यासाठी ग्राउंड मध्ये जाईल, जर काही इंजुर्ड झाला तर। थैंक यू डीजे। राष्ट्रवादी रायगड जिल्हा राष्ट्रवादी युवक चषक 2021 मध्ये तमाम क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत। पहिली मॅच आपल्या भेटीला आले, पाटील 11 मेरकुटवाडी टीमने प्रथम गोलंदाजी करत असताना समोरच्या संघाला मात्र इथे 31 या आकड्यावरती थांबवले, आणि आता 32 धावसंख्येची गरज आहे। 4 षटक आणि 32 धावा। उमरे संघाने अर्थातच वेदराज उमरे संघाने टॉस जिंकला आणि त्यांचा निर्णय आमच्यापर्यंत सुपूर्द करायचे। वेदराज उमरे विरोधात असणारे संघ शेमडी या दोन संघादरम्यान, आणि टॉस जिंकून त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय। फ्लड लाईट्स मध्ये खेळण्याचा जो काय अनुभव आहे तो एक वेगळाच अनुभव आहे। मगाशी प्रवीणजी दुगाडे यांनी देखील सांगितलं की या दोन्ही टीमला हा अनुभव फारसा कमी आहे, आणि त्या अनुभवची कमी असताना 32 धावसंख्येचा टार्गेट सुद्धा एक चुरशीचा सामना ठरू शकतो। नुकताच डीजे मास्टरनं राष्ट्रवादीचं एक सुमधुर संगीत आपल्याला ऐकवलं, आणि या स्पर्धेच्या निमित्तानं मला असं वाटतंय 28 तारखेला अर्थातच शेवटच्या रात्री रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री तथा राज्यमंत्री आदितीताई तटकरे या स्पर्धेला नक्कीच भेट देतील, आणि त्यांच्या समवेत अनिकेतभाई तटकरे देखील उपस्थित राहतील, कदाचित खासदार साहेब देखील उपस्थित राहतील, माजी आमदार आणि मी म्हणेल की निकटवर्तीय अंकितजी साखरे ज्यांचे आहेत ते रायगड जिल्ह्याचे विद्यमान अध्यक्ष सुरेशभाऊ लाड देखील उपस्थित राहतील। पहिला चेंडू अखूट टप्प्याचा होता, त्याला मात्र धाडले कवर्षा दिशेनं,
पहिला चेंडू वरती कडा प्रहार येतोय हा पहिला चौकार या इनिंग मधला। चेंडू वरती कडा प्रहार 32 चं टार्गेट आणि सुरुवात पहा तेजेसच्या विरोधात अरुण या बॅट्समनची। बॅटिंग करणारी टीम पाटील 11 मिरकुटवाडी त्यांच्या विरोधात कारगाव। धीम्या गतीचा चेंडू थोडा मात्र खाली राहिला निर्धाव चेंडूची सांगत होते। पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कमीत कमी धावसंख्या देण्याचा निर्धार गोलंदाजाने आपल्या मनाशी करायला हवा। पाहुण्यांचं आगमन होते, मी त्यांचं सहर्ष स्वागत करेल व्यासपीठावर। लक्ष्मणजी बोरले साहेबांचं आगमन झाले, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। भजन सम्राट लक्ष्मणजी बोरले यांचं आगमन होतंय, सहर्ष स्वागत। पुन्हा एकदा कट केलंय कव्हर पॉईंटमध्ये, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे। 30 सर्कलच्या बाहेर जाऊन मात्र चेंडू फील करतो, एक धाव मात्र जोडली जाणार। धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती मात्र 5 आकड्यावर, धावसंख्या 5, 32 आव्हान। रायगड जिल्हा राष्ट्रवादी युवक चषक 2021 स्पर्धेचे प्रणेते, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस, त्याचबरोबर विद्यमान सरपंच अंकितजी साखरे साहेब, स्पर्धेचे प्रवर्तक, स्पर्धेचे संयोजक संदेशजी चौधरी, बंटी नलावडे, स्वप्नीलजी पालांडे, त्यांचा संपूर्ण सहकारी वर्ग आणि या स्पर्धेसाठी हर्षाली पार्कचे हे क्रीडांगण जे लाभलंय त्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करेल। सलामीची जोडी अशोक वाघमारे आणि त्याच्या साथीने अरुण। अरुण वैयक्तिक 5 या धावसंख्येवरती खेळतो आणि संघाची देखील धावसंख्या 5। तेजस मुसळे गोलंदाजी करतोय पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये। अखो टप्प्याचा चेंडू त्याला हुक केलाय, हा चेंडू चाललाय फाईन लेग सीमारेषा पार, या इनिंग मधला दुसरा चौकार। पाठलाग चालू असताना दोन्ही बॅट्समनने अगोदर अरुण आणि आता अशोक, अगोदर अरुणनं चौकार लगावला त्यानंतर हा अशोकचा चौकार। धावसंख्या 9, आक्रमण स्वीकारले तेजस मुसळेच्या विरोधात। समोर टाकलाय चेंडू, ड्राईव्ह करायचा होता, बॅटची कडा घेतली एक क्षेत्ररक्षकाला, चकून हा चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या अगदी जवळ, शर्यत लागली आणि शर्यत मात्र चेंडूनं जिंकली। तिसरा चौकार येतोय या ओव्हर मधला। आदरणीय सुधाकर शेटगारे साहेबांचं या व्यासपीठाच्या दिशेने आगमन होते, मी त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करेल। रायगड जिल्हा परिषदेचे विद्यमान उपाध्यक्ष आदरणीय सुधाकर शेटगारे साहेबांचं आगमन होत आहे। सुस्वागतम, सुस्वागतम आणि सहर्ष सुस्वागतम। कॅच कॉल होता परंतु इथे एक क्षेत्ररक्षक पोहोचला नाही, हाफ चान्सेस होते, संधी होती इथे आणि संधी प्राप्त करायला हवी होती क्षेत्ररक्षकांनी। समोरची टीम आपल्यावरती आक्रमण करते, जर का समोरच्या टीमला निस्तराभूत करायचं असेल तर या हाफ चान्सेसला कन्वर्ट करायला हवं होतं। धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जाऊन पोहोचले 14, आता 18 चेंडू शिल्लक आणि दावा करायचे देखील असतील त्या 18। नुकताच ज्यांचं आगमन झालंय व्यासपीठावरती ते रायगड जिल्हा परिषदेचे विद्यमान उपाध्यक्ष सन्माननीय सुधाकर शेटगारे साहेबांचं आगमन झालंय, त्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करेल। रायगड जिल्हा राष्ट्रवादी युवक चषक 2021 मध्ये कालचा दिवस खास होता साहेबांचा, उपाध्यक्ष साहेबांचा, कारण त्यांच्या कारकिर्दीला काल 4 वर्ष पूर्ण झाली। मनपूर्वक स्वागत साहेबांचं व्यासपीठावर। अरुण आणि अशोक ही जोडी मैदानावरती दाखल आहे पाटील 11 मिरकुटवाडी टीमची। महाराष्ट्राचा आपण विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये मी तर म्हणेल की नावानं जर का आडनावानं संबोधलं गेलं ना माणसाला तर त्याला आणखी आदरानं असं वाटतं की आदरातिथ्य त्याचं चांगलं केलं जातं असं म्हटलं जातं। आणि आता पाटील 11 मैदानावरती संघ खेळतोय, दोन्ही टीमनं पाटीलकी मैदानावरती, दोन्ही बॅट्समननं पाटीलकी गाजवले, जरी त्यांचं वाघमारे आडनाव असलं तरी सुद्धा नावाप्रमाणे संघाची कामगिरी सध्या मैदानावरती आहे। धावसंख्या त्यांनी 14 कुठले, 18 चेंडू 18 धावसंख्येची मात्र गरज आहे। गोलंदाजीसाठी तयार शुभम मुसळे।
फक्त चेंडू ढकलला स्वीपर कवर मध्ये क्षेत्ररक्षक आणि दुसरी धाव चोरली अशोक आणि अरुणने जलद गतीने धाव मात्र ही कंप्लीट केली। दोन धावा इथे कंप्लीट मात्र केल्यात। दुहेरी धाव संख्या धाव फलक जाऊन पोहोचले ते 16 वर। धाव संख्या जाऊन पोहोचले ती 16 वर। 32 धाव संख्येचं आव्हान आहे। नेक्स्ट मॅच असणार आहे शेमडी विरोधात। फोटोग्राफर आपण स्टेजशी संपर्क साधायचे त्वरित। कवर्स मध्ये हा फक्त चेंडू ढकलायचा होता आणि हा चेंडू मात्र जातोय कवर्सला भेदून लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक पोहोचला। एक धाव जोडली जाते। मी विनंती करतोय स्पर्धेचे प्रवर्तक सन्माननीय अंकितजी साखरे साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते रायगड जिल्हा परिषदेचे विद्यमान उपाध्यक्ष आदरणीय सुधाकर शेटघारे साहेबांचा आपण सन्मान या व्यासपीठावरती करायचे। 24 लाईव्ह इव्हेंटचे कॅमेरामन आपणास विनंती आहे। आपण स्क्रीनवरती पाहाल रायगड जिल्हा परिषदेचे विद्यमान उपाध्यक्ष यांचा शुभ सन्मान व्यासपीठावरती स्पर्धेचे प्रवर्तक अंकितजी साखरे साहेबांच्या शुभ हस्ते मात्र करण्यात आलाय। त्याचबरोबर सन्माननीय बंधू देशमुख साहेब देखील उपस्थित आहेत। त्यांचाही सन्मान करण्याची मी विनंती अंकितजी साखरे यांना करतोय। सहर्ष स्वागत आपलं साहेब। बॅटची कडा घेतले विकेट कीपरच्या डोक्यावरून हा चेंडू चाललाय जाईल सीमा पार आणखी एक चौकार पाटील 11 विरकुटवाडी टीम साठी। त्याचबरोबर सन्माननीय मनोहरजी पवार साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। अल्पेश चौधरी यांना विनंती करेल आपल्या शुभ हस्ते आपण मनोहरजी पवार साहेबांचा सन्मान या व्यासपीठावरती करायचे। भव्य दिव्य असं व्यासपीठ या स्पर्धेचं 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर करण्यात येते। घर बसल्या देखील या स्पर्धेचा तुम्ही आनंद घेत राहा। जगदीशजी देशमुख साहेब देखील या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत। मी विनंती करेल संदीपजी चौधरी यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण जगदीशजी देशमुख साहेबांचा या व्यासपीठावरती सन्मान करायचे। सहर्ष स्वागत संपूर्ण सर्व पाहुण्यांचं। त्याचबरोबर व्यासपीठावरती उपस्थित भरतजी थोरवे साहेब उपस्थित आहेत। त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत। मी अल्पेश चौधरी यांना विनंती करेल आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करायचा आहे। सर्व पाहुण्यांचं सहर्ष स्वागत। रायगड जिल्हा राष्ट्रवादी युवक चषक 2021 दरम्यान हे पाहुणे या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत। सहर्ष आणि सहर्ष स्वागत। ओवर पिच बॉल मिडविकेटच्या दिशेनं हा फटका जातोय सीमा रेषा पार हा येतोय राष्ट्रवादी षटकार। लॉंगॉनच्या दिशेनं हा फटका कार्पेटच्या साह्याने मात्र चेंडू चाललाय तिथे फंबल दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न। काय फलंदाजी चालू आहे अशोक आणि अरुण। जसं प्रवीणजी दुगाडी म्हटले की व्यावसायिकता या संघामध्ये कुठून भरलेली आणि तसा खेळ त्यांनी मैदानावरती दाखवलाय। लाईनअप मध्ये सर्व संघांना विनंती करतोय जेव्हा तुम्ही क्रीडांगणावरती प्रवेश कराल क्रीडांगणाच्या आतमध्ये प्रवेश किंवा कराल किंवा बाहेर याल त्यावेळी तुम्हाला लाईन एकाच लाईन मध्ये जायचे। या स्पर्धेची शिस्तीचं पालन करणं तुम्हाला अनिवार्य असेल। प्रेक्षकांना देखील विनंती करतोय अंकितजी साखरे यांच्या वतीनं जे स्पर्धेचे प्रवर्तक आहेत की सोशल डिस्टन्सिंगचं तुम्ही पालन करा। कोरोनाला जर का हरवायचं असेल आणि क्रिकेटला जिंकवायचं असेल तर कृपया करून सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करा। तुमच्याकडे मास्क नसतील तर आयोजकांनी मास्क आणलेले आहेत ते मास्क घ्या आमच्याकडून ते परिधान करा आणि क्रिकेटचा आनंद घ्या। आणि सर्वात महत्वाची विनंती अशी असेल अंकितजी साखरे यांच्याकडून जर तुम्ही क्रीडांगणावरती आलात नाहीत तरी चालेल तुम्ही घर बसल्या स्पर्धेचा आनंद घेऊ शकता। त्यासाठी तुमची सोय उत्तम सोय केलेली आहे 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून आज स्पर्धेचा तुम्ही आनंद घेऊ शकता। हा कोरोनाचा काळ हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव जर का आपल्याला रोखायचा असेल तर यासाठी आपण पावलं देखील उचलायला हवीत आणि ठोस पावलं एक आयोजक म्हणून स्वतः अंकितजी साखरे यांनी मात्र घेतलेली आहेत। त्या शिस्तीचं आणि त्या सूचनांचं पालन करणं तुम्हाला अनिवार्य असेल। विकेट कीपरनं चुकी केले अंतर आता फार कमी राहिलंय। ज्या पद्धतीनं कारगाव संघाचा खेळ व्हायला हवा होता बॅटिंग करताना देखील फिल्डिंग करताना देखील गोलंदाजी करताना देखील तो झाला नाही। बाईच्या स्वरूपात एक धाव पंचांचा इशारा स्पर्धेसाठी पंच निरंजन सावंत रमेशजी म्हात्रे बाळा इकारे। मला असं वाटतंय बाळा इकारे सरांना या मॅचसाठी निरंजनजी सावंत सरांना विश्रांती आहे रमेश म्हात्रे
जेलेग अंपायरच्या भूमिकेत मेक्या या नावान टोपन नावान ते ओळखले जातात आणि त्यांच्या समवेत बाळा इकारे विजयाच्या समीप नेऊन ठेवणारा हा फटका असेल। आणखी एक धाव मात्र जोडली जाणार। निरंजन सावंत या मॅच अंपायरिंग करतायत। बाळा इकारे सरांना मात्र विश्रांती या मॅच साठी। धावसंख्या 31 अवघी एक धावेची मात्र आता गरज असेल ती विजयासाठी। आणि हा येतोय डायरेक्ट हिट मात्र येते झालाय। थोडं थांबावं लागणार आहे पाटील इलेव्हन मिरकोटवाडी टीमला। डायरेक्ट हिटच्या स्वरूपात मात्र इथे बॅट्समन आउट झालाय। सुंदर सुरुवात स्पर्धेची। रायगड जिल्ह्याचे माजी शिक्षण व आरोग्य सभापती नरेशजी पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते स्पर्धेचा शुभारंभ झाला। शेखरजी पिंगळे साहेब उपस्थित होते, इतरही मान्यवर उपस्थित होते या व्यासपीठावर। त्यांच्या शुभ हस्ते मात्र शुभारंभ उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला। त्यानंतर मात्र स्पर्धेचा सुरुवात झाली। एक शो मॅच झाली, एक्झिबिशन मॅच झाली आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचा स्पर्धेला मात्र सुरुवात झाली। अवघ्या एका धावेची गरज आहे। काय इनिंग साकारले अरुण वाघमारेनं पहिल्या चेंडूपासून हाणामारी आणि आपल्या टीमला विजयाच्या समीप मात्र नेऊन ठेवलंय। अवघी एका धावेची गरज, पंचांचा इशारा, हा व्हाइट बॉल आणि ते विजय होतोय। तो पाटील इलेव्हन मिरकोटवाडी हा संघ, वेल प्लेड कारगाव टीम। आपल्याला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा असतील, आपणास विनंती करतोय। मिरकुटवाडी पाटील इलेव्हन मिरकुटवाडी टीमला देखील विनंती करतोय। मैदानाच्या आतमध्ये जाताना आपण एका सरळ रेषेत जायचं आहे आणि त्याचबरोबर मी विनंती करतोय कारगाव टीमला देखील आपण बाहेर येताना एका सरळ रेषेतच येऊन मात्र खेळाडूंशी हस्तांदोलन करायचं आहे। या मॅचचा हिरो असेल ज्यानं तिसरं षटक फेकलं, तीन धावा देत तीन विकेट ज्यानं प्राप्त केल्या, तो संतोष ठरलाय या मॅचचा हिरो।